तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एरोमेटिक कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर में। तो यार, इसमें ना हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं और जो आपके नीट के भी होंगे, जो आपके मॉडरेट भी होंगे। तो मैं इजी क्वेश्चन पर थोड़ा कम फोकस रखूँगा, मैं एडवांस और जो जेई मेंस और मैं नीट के क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखूँगा। तो इसमें जो पूरे लेक्चर में हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से। तो जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम जुगेन सिंह है, मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर तक आपको मैं रिकैप कराना चाहूँ तो उसमें भी मैंने देखो एरोमेटिक कंपाउंड ख़त्म किया था। तो आगे देखते हैं हम। तो देखो, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन का अगर ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, ये आपका बेंजीन मैंने ऐसे बनाया, अगर आप पाई बॉन्ड पे एडिशन करा दो, पाई बॉन्ड पे अगर आपने ऐसे एडिशन करा दिया, कोई भी पाई बॉन्ड पे आपने बी आर ऐड करा दिया, तो आपको पता है, ये थोड़ा इधर इस लेक्चर में थोड़ा ध्यान से पूरा फोकस आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन को टच करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, तो ये sp3 है, ये भी क्या आपका कार्बन sp3। तो यार, ये तो दोनों लैक ऑफ कंजुगेशन हो गए। लैक ऑफ कंजुगेशन का मतलब क्या? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देखो, एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना है, तो आपकी पता है आपको स्टेबिलिटी क्या हुई? कम। तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो मैं इधर लिख रहा हूँ नो रिएक्शन। तो पहला वाला मैंने क्वेश्चन कराया अच्छे से, ध्यान से सुनना। एरोमेटिक कंपाउंड आपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया तो स्टेबिलिटी क्या आई आपकी? कम, ड्यू टू लैक ऑफ कंजुगेशन। लेकिन अगर देखो, मैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में अगर मैंने बेंजीन लिया है, ब्रोमीन गैस लिया है, फिर मैंने अगर कोई आयरन लिया है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो इधर ना आपका यार, इधर आपका बीआर लग जाता है। समझे मैंने क्या बोला है? अगर आप कैटलिस्ट लोगे तब आपका बीआर लग जाएगा। तो देखो, मैंने आयरन इधर एज ए कैटलिस्ट की तरह काम किया, इधर मैंने बीआर जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखो क्या है, आपको रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। तो देखो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ ए बी सी डी। तो देखो, पहले मैं इसको देखो -m लिख रहा हूँ, आपको पता है कीटोन -m करेगा, NH2 क्या करेगा बोलो? +m। अब ध्यान से सुनना, बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा है आपका? -m। अब देखो, ये बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा है? +m। और ये क्या करेगा आपको? थोड़ा बहुत -m। और ये पता है आपको NH2 क्या करता है? +m। इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो बोलो यार, बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा है आपका? -m। बेंजीन से डायरेक्टली क्या जुड़ा आपका? +m। अब इसके +m में देखो कुछ कमी हो रही है, क्योंकि कुछ खींच रहा है ये, और इसका +m सी वाले का ज़्यादा है। तो देखो क्या है सी, उसके बाद में बोलो क्या आएगा? बी। बी क्यों लिखा है? क्योंकि डायरेक्टली क्या जुड़ा है? +m का ग्रुप। ये आपका -m आपका डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। तो देखो, सी आया पहले, उसके बाद में बी आया, उसके बाद में डी आया, उसके बाद में ए आया। ये है आपका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने आपको कराया, तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस का। अब ना मैंने यार आपको फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन दोनों रिएक्शन बताई हैं, शायद आपको याद भी हो। तो मैंने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, अल्काइलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बनता है आपका कार्बोकेटाइन यार। तो कार्बोकेटाइन आपको पता है रीअरेंजमेंट करता है, रीअरेंजमेंट के बारे में आप जानते हो। रीअरेंजमेंट में क्या हुआ आपका? हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, फिनाइल शिफ्टिंग, और आपकी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यार, वो चीज़ याद रखना। तो मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक से ये हटा देते हैं। तो देखो, पहले क्या बना आपका? पहले आपका ये कार्बोकेटाइन बना, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन बोलो कितने पॉजिटिव जो है, उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन जो sp3 हो वो आपके अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इधर से 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट करूँ तो देखो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज CH3। मैं देखो रिपीट करना चाह रहा हूँ, 1.2, इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, 2 पोजीशन से हाइड्रोजन शिफ्ट किया आपका और इधर चिपका दिया। तो इधर पॉजिटिव बना, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना आए? 6। तो बोलो ये ज़्यादा स्टेबल है ये, तो ये आपका मोर स्टेबल। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा? इससे आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से सुनो सब चीज़। तो देखो, मैं मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूँ आपका, ये बेंजीन बनाया मैंने आपको, फिर उसके बाद में देखो
अल्फा हाइड्रोजन इसके दो मैंने इधर लिख दिए, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपका कहना होगा सर इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बनेगा यार, लेकिन वो क्या होगा आपका माइनर। दोबारा से समझो, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में पहले कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन में मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, और जो जिसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6, पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2। आई होप आपको अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने आते हैं। अब देखो आगे, तो 6 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो 6 वाले से आपने मेजर प्रोडक्ट बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, ऐसे आपने कार्बोकेटाइन बनाया। अब देखो कार्बोकेटाइन तो आपने बना लिया, अब मैं इसको ऐसा लिख दूं। अब एक चीज देखना, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव मेंबर की रिंग के आउटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो यार आपको पता है रिंग एक्सपेंशन होता है, आर ई के मतलब क्या रिंग एक्सपेंशन, तो ये वाला बॉन्ड मैं ऐसे रोटेट किया, देखो इसको मैंने 1 माना, इसको 2 माना, तो ये वाला भी बॉन्ड रोटेट कर सकता हूँ, ये वाला भी, तो मैंने ये वाला रोटेट किया है, तो देखो क्या आया, ये आपकी 5 मेंबर की रिंग रिंग एक्सपेंशन में कितने में कन्वर्ट हो जाती है 6 में, लेकिन कंडीशन क्या रिंग एक्सपेंशन की, कि रिंग के आउटर में होना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकेटाइन। अगर रिंग के ऊपर होता है तो क्या होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो तो इसमें और इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो देखो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा आपका जिससे कि स्टेबिलिटी क्या है ज़्यादा। तो देखो ये मैंने बेंजीन पे जोड़ दिया, तो देखो दोबारा से समझो ये वाला क्वेश्चन, पहले मैंने आपका कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन में मुझे पता चला कि 5 मेंबर की रिंग है, आउटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने रिंग एक्सपेंशन कर दिया, आर ई का मतलब क्या रिंग एक्सपेंशन, 5 मेंबर की रिंग मैंने कितने में कन्वर्ट कर दी 6 में, तो ये बन गया। तो ये इसके बाद में ये मैंने बेंजीन पे डायरेक्टली जोड़ दिया। तो देखो आई होप आपको समझ में आ रहा अच्छे से, तो हम आगे मूव करते हैं। देखो ध्यान से, तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, तीनों में कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखो ध्यान से, आपने ये ऐसे हटाया तो देखो क्या बना आपका, ये आपका कार्बोकेटाइन बना। ध्यान से सुनना, इस कार्बोकेटाइन के देखो रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने आए 0, क्योंकि देखो ये क्या आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल, ये आपका मिथाइल। तो देखो अगर मैं कैसे भी करके 1,2 मिथाइल शिफ्ट करूं, क्या शिफ्ट करूं मिथाइल, तो देखो मैंने ये वाला ग्रुप हटाया इधर लगा दिया, तो देखो क्या बना ध्यान से ऐसे, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इधर बोलो अल्फा हाइड्रोजन कितने आए, तो देखो 3, 3, 2, तो बोलो कितने आए 8, तो बोलो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखो इसको मैं बेंजीन पे जोड़ दूँ, जगह कम है थोड़ा समझ लेना ध्यान से, ये बेंजीन बनाया, बेंजीन के ऊपर देखो क्या जोड़ दिया मैंने, ये ऐसे ये वाला ग्रुप, तो ये आपका मेजर होगा, और जो आपका इससे बनेगा वो क्या होगा आपका माइनर। दोबारा से समझाओ, मैंने पहले कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन में मैंने अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट किए 0 आए, उसके बाद में देखो 0 कैसे आए ये आपको समझ में आया, और 1,2 मैंने मिथाइल शिफ्ट किया, उसमें अल्फा हाइड्रोजन 8 आ गए, ज़्यादा स्टेबिलिटी, उसके बाद में उसे मैंने मेजर प्रोडक्ट बना दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। अब देखना, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाई, तो ये इलेक्ट्रोफाई पर अटैक करेगा, एच प्लस का मतलब क्या आपका इलेक्ट्रोफाई। तो देखो क्या हुआ, तो ध्यान से सुनना, तो ये बना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6। अब देखो या फिर तो कार्बोकेटाइन आपका इधर बन सकता है, या फिर आपको कार्बोकेटाइन इधर बन सकता है, तो देखो एच पॉजिटिव सी एच थ्री, अगर इसने ऐसे अटैक किया तो देखो एच प्लस इधर यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो देखो क्या बना सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके 2, ये 2, इसमें 3, तो बोलो मोर स्टेबल कौन है यार, अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला क्या है मोर स्टेबल, तो बोलो मेजर कौन बनाएगा आपका मोर स्टेबल। तो बेंजीन के ऊपर जो आपका मोर स्टेबल आया है उसे मैं जोड़ दूं, तो ये क्या आपका मेजर
प्रोडक्ट, दोबारा समझो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है आपका H प्लस, तो देखो ये, या फिर तो देखो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन सकता है या फिर यहाँ पर, तो एक बार मैंने यहाँ पर बनाया, एक बार मैंने इधर इधर साइड में बनाया, इधर अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हैं 6, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2, अब बोलो 6 वाला ज़्यादा स्टेबल है तो उसे आपने मेजर प्रोडक्ट बना दिया, अब आपका कहना होगा सर 2 से भी बनाओ, तो इतना जगह नहीं है, आप लिख लेना 2 से क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन और अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो देखो मैंने एसिड से क्या आएगा आपका एच प्लस, अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, तो यार देखो लोन पेयर होते हैं तो वो कैसे बिहेव कर सकता है एज ए तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, तो देखो क्या हुआ, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन को, CH3 CH2 CH2 OH2 पॉजिटिव, एच प्लस किस पर जुड़ गया ऑक्सीजन पे, अब आपको पता है ये वाटर बन गया, और वाटर क्या अच्छा लिविंग ग्रुप, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया मैंने, और वाटर क्या आपका गुड लिविंग ग्रुप, तो देखो एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया तो देखो क्या आया CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से बैठना तुमको क्लास में, ठीक है, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने आए 2, ये वाले, अगर मैं 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो देखो क्या आया, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने आए आपके 6, 3 और 3 आपके 6, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आए, तो देखो ध्यान से, तो ये पता है आपको मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका किससे बनेगा बोलो, मोर स्टेबल से, सही से लिख रहा हूँ CH3 CH CH3, और इससे क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, दोबारा से समझो, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, उसने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, एच प्लस पर अटैक किया, एच प्लस कहाँ से आया एसिड से, उसके बाद में आपका वाटर बन गया, वाटर के अच्छा लिविंग ग्रुप तो निकल जाएगा, इधर कार्बोकेटाइन बन गया, और कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपके 2, फिर उसके बाद मैंने 1.2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन आपका कितना है 6, जो कि आपका मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल से आपका क्या बन गया मेजर प्रोडक्ट, इधर मैं माइनर भी लिख देता हूँ, ये आपका माइनर प्रोडक्ट। आगे के क्वेश्चन पे हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, चार क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी, तो देखो अभी ना ये लिमिटेड अमाउंट में है और आपके क्लोरीन के हैं आपके 2, तो आपने ये ऐसे निकाला, तो Cl ये पॉजिटिव, ये आपका Cl सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने ना फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन आपको बताई है, तो थोड़ा देखोगे तो फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, इसके बाद में इसको मैंने डायरेक्ट आपको किस में जोड़ दिया बेंजीन में, तो देखो ये आ गया, इसका नाम क्या है बेंजोइल क्लोराइड, ध्यान से सुनना, अभी ये लिमिटेड में है, अगर ये एक्सेस में होता तो आगे भी रिएक्शन होता, मैं बताऊंगा कैसे, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आपका लिमिटेड में Cl निकाला, इधर पॉजिटिव बना, कोई सा भी Cl निकाल सकते हो, उसके बाद में उसको डायरेक्टली बेंजीन पे जोड़ दिया, तो इसका मतलब हीट है आपका, तो ये बना आपका बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो इधर इधर ये एक्सेस में दे रखा है, तो पहले आपने ये निकाला तो ये बन गया, उसके बाद में आपको पता है कि इसका आपने करा दिया किस पे बेंजीन पर रिएक्शन, फिर उसके बाद में देखो दोबारा से अभी AlCl3 आएगा प्लस हीट आएगा, तो देखो दोबारा से ये ऐसे निकाल लेगा, यहाँ तक समझ में आया, तो देखो क्या आया आपका इधर C डबल बॉन्ड O, ये आपका पॉजिटिव, अब ये दोबारा से बेंजीन पर आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो बेंजीन इधर वाला क्या है एक्सेस में, तो देखो क्या बन गया PH C डबल बॉन्ड O PH, इसको मैं PH लिख रहा हूँ, आसान थोड़ा मेरे लिए आसान पड़ेगा, तो देखो इसका नाम क्या है बेंजोफिनोन, दोबारा समझाता हूँ, देखो आपका बेंजीन क्या एक्सेस में,
आपने क्लोरीन निकाला तो आपके पास में Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बना, इसको डायरेक्टली आपने बेंजीन पे जोड़ दिया। अब फिर आपको पता चला यार अभी तो इसमें ये निकल सकता है Cl, तो आपने निकाल दिया, इधर पॉजिटिव बना और आपको पता चला बेंजीन एक्सेस में, तो दोबारा से अटैक करा दिया, तो ये बन गया आपका। तो देखो आपका दो Cl था, दोनों Cl आपका निकल गया और दोनों आपका क्या जुड़ गया, बोलो ध्यान से बोलो, पीएच पीएच मतलब बेंजीन, दो Cl निकला और दो क्या जुड़ा आपका, बेंजीन बेंजीन। लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है, आपका बेंजीन किस में है, एक्सेस में। अब देखो ध्यान से, वैसे देखो इसी में मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया, इधर आपका कितना बेंजीन है, सॉरी इधर आपका बेंजीन आपका एक्सेस में है, ठीक है, इधर आपका क्लोरीन कितना है, दो, तो देखो दो क्लोरीन आपका हट जाएगा और दो क्या लग जाएगा आपका, बेंजीन। तो देखो इसका नाम है डाई फिनाइल मीथेन। दोबारा से समझो, इसके पास में दो क्लोरीन है ना, तो दोनों क्लोरीन एटम को हटाया और दोनों जगह आपने क्या लगा दिया, आपने बेंजीन, और बेंजीन किस में आपका, एक्सेस मात्रा में, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, दोनों आपका क्लोरीन हटा दिया, दोनों जगह आपने क्या लगा दिया, आपने बोलो ध्यान से बेंजीन। अब देखो इधर ये आपका आपने क्या किया, दोनों क्लोरीन हटाया, दोनों जगह आपने क्या लगाया, फिनाइल। अब देखो इधर कितने आपके क्लोरीन है, तीन, तो बोलो कितने में लगा दूं, तीन। तो देखो इसका नाम क्या, ट्राई फिनाइल मीथेन। अब देखो एक चीज देखना कि अगर मैं बेंजीन, देखो इधर भी आपका एक्सेस में है, अगर मैं इसका CCl4 के साथ में रिएक्ट करता हूं तो एक ही कार्बन पर चार बेंजीन एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, तो आपके तीन तो बेंजीन ऐसे कैसे लग गए, ठीक है। अब देखो इसके पास में हाइड्रोजन तो है नहीं है, तो देखो इसके पास में एक क्या होगा, क्लोरीन, ऐसे बनता है। तो ये बहुत एडवांस का क्वेश्चन हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैं दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूँ, बेंजीन बेंजीन के पास में तीन क्लोरीन, तो तीन क्लोरीन की जगह तीन क्या लगा दिया आपने, फिनाइल। ये समझ में आया आपको। अब देखो इसके पास में इधर क्या, हाइड्रोजन, इसके पास में हाइड्रोजन तो है नहीं है, तो इधर से आपने देखो क्या किया, तीन तो आपने क्लोरीन हटा दिए, तो तीन आपने क्या लगा दिए, फिनाइल। लेकिन इसके पास में एक क्लोरीन बचेगा, तो वो वाला क्लोरीन आपने बचा हुआ आपने लिख दिया है। और एक और चीज़ याद रखना आप लोग कि कभी भी एक ही कार्बन के, एक ही कार्बन पर आपके चार बेंजीन कभी एग्जिस्ट नहीं करते, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए आपने कितना बेंजीन लिखा है आपने, तीन। तो प्यारे बच्चे आगे देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन के अंदर पार्ट भी हैं बहुत सारे, तो मैंने एक दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इसके सारे, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट भी हैं जो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब इधर देखो क्वेश्चन नंबर 13, आपको पता है ये वाला ग्रुप प्लस आई भी करता है और क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन, तो बोलो डोमिनेट क्या करेगा आपका, हाइपर कंजुगेशन, ये तो आपको चलो पता है। अब देखो ये वाला ग्रुप क्या है आपका, एजी, एजी मतलब समझते हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका मतलब है आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो या पैरा पे अटैक हो सकता है। इसका मतलब क्या, ओलियम, इसका मतलब है सल्फोनेशन, मतलब कि आपका सल्फोनिक ग्रुप लगेगा किस में, ग्रुप में, तो देखो इस कंपाउंड में, तो मैंने पैरा वाला मेजर बनाया, ऑर्थो वाला मेजर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑर्थो पे होगा आपका स्टेरिक रिपल्शन, तो ये मैंने मेजर बनाया। अब देखो नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, तो एक तो आपका एजी ग्रुप है ये ऊपर वाला, और ये वाला आपका डीजी ग्रुप है, तो बोलो अटैक किसके अकॉर्डिंग होगा, एजी के अकॉर्डिंग, तो इसके ऑर्थो, ऑर्थो या पैरा पे, लेकिन पैरा पे पहली पोजीशन क्या है आपकी, ब्लॉक। और ध्यान से सुनना हर एक चीज़, देखो थोड़ा इस लेक्चर में आपको बहुत ध्यान से बैठना है ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि मैं इस लेक्चर में देखो क्या कर रहा हूँ, आपके जितने भी पूरी एरोमेटिक कंपाउंड में थ्योरी पढ़ाई है सबको मिक्स कर रहा हूँ। देखो आगे, अभी देखो ये लिमिटेड अमाउंट में, किस में, लिमिटेड में, अगर मैं एक्सेस में लिखता तो इधर और कुछ रिएक्शन होता, तो देखो क्या किया मैंने, तो देखो इधर मैंने ऑर्थो पे अटैक करा दिया CH3 NO2 और ये आपका सल्फोनिक ग्रुप। आपको पता है सल्फोनिक ग्रुप का H3O+ मतलब हीट करें, तो देखो ये क्या आपका डी सल्फोनेशन का मतलब क्या, सल्फोनिक ग्रुप का निकलना, तो देखो क्या हुआ CH3 NO2 और यहाँ से आपका पैरा पोजीशन से आपका सल्फोनिक ग्रुप निकल गया।
दोबारा से देखो, CH3 क्या है आपका AG ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, और सल्फोनेशन, यहाँ से सल्फोनेशन हुआ, पैरा वाला आपने मेजर बनाया। और पहला पैरा में देखो, पैरा वाला जो ग्रुप है वो माइनस एम कर रहा है, तो माइनस एम की वजह से ये क्या है DG, और ये वाला ग्रुप प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या है AG, तो AG और DG में से कौन किसके अकॉर्डिंग अटैक होगा, AG के अकॉर्डिंग। और नाइट्रेशन कराया मैंने, NM का मतलब क्या है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो मैंने NM कराया, तो NM के अकॉर्डिंग आपका AG के अकॉर्डिंग अटैक होगा। और ये मैंने लिमिटेड अमाउंट में लिया, तो इसके ऑर्थो पे अटैक करा दिया, पैरा पोजिशन पहले से ब्लॉक है। इसके बाद में ये क्या हो गया आपका डीसल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप का निकलना। क्वेश्चन नंबर 14 आपके होमवर्क में, ये मैंने ME दे रखा है, ये टूलिन है। अब थोड़ा इधर ध्यान से देखना, ME3C, C डबल बॉन्ड O, Cl, AlCl3 दे रखा है, A मैंने लिया, नाइट्रेटिंग मिक्सर मैंने एक्सेस में लिया है तो C बना आपका, ठीक है। अगर मैंने लिमिटेड अमाउंट में लिया तो आपका B बना। तो आपको फाइंड आउट करने हैं आपको A, B, C, आपको बताना है यार ये क्या बनेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला ग्रुप करता है आपका माइनस एम, तो माइनस एम का मतलब क्या है DG, तो DG का मतलब समझते हो आप कि मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं तो देखो इधर मैंने आपका एल्डिहाइड लिखा है ऊपर, वो तो सेम है, तो इसके मेटा पे आपका क्या लग जाएगा NO2। ये सल्फोनेशन कराया तो देखो मैंने बेंजीन पहले से इसलिए बना रखा है थोड़ा जल्दी से हो जाए, तो इसके मेटा पे क्या लग जाएगा आपका सल्फोनिक ग्रुप। अब देखो इससे क्या है हेलोजिनेशन, तो इसके मेटा पे क्या लग जाएगा आपका हेलोजन। अब देखो ये क्या आपका ब्रोमिनेशन है, ये भी आपका हेलोजिनेशन है लेकिन ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं क्योंकि ब्रोमिन लिया हमने, तो ये किया मेटा पे क्या लगाया आपका BR। अब आपको पता है ये क्या है आपका फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, FC रिएक्शन किसमें नहीं होता, जिसमें आपका माइनस एम या फिर माइनस आई ग्रुप लगाए, ये अगर ग्रुप लगाए किसी भी कंपाउंड में तो आपका फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या है नहीं पॉसिबल, तो इधर लिखना आपको नो रिएक्शन। दोबारा से समझो, एल्डिहाइड का नेचर क्या है माइनस एम का मतलब क्या है DG का मतलब क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नाइट्रेटिंग मिक्सचर आया किस पे लगेगा मेटा पे, सल्फोनेशन आया किस पे लगा, देखो ये भी मैंने मेटा पे लगाया, सल्फोनिक भी मैंने मेटा पे लगाया, हेलोजिनेशन भी मैंने मेटा पे लगाया, ब्रोमीन भी मैंने कहाँ पे लगाया मेटा पे। अब आपको पता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन किस में नहीं होता, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग माइनस एम या माइनस आई ग्रुप लगा हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखो तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 16 ले रखा है, तो देखो ये मैंने बेंजीन पे लगाया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको पता है माइनस एम करता है, माइनस एम का मतलब क्या है DG का मतलब क्या है मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, मतलब इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर अटैक होगा आपका मेटा पे। तो बोलो तो pH में, तो देखो आपका चलो बेंजीन बना रहा हूँ मैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड, और इसके मेटा पे क्या लग गया आपका NO2, इसके मेटा पे बोलो क्या लग गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मेटा पे क्या लग गया आपका सल्फोनिक ग्रुप, ये सल्फोनिक रिएक्शन है ना, ये क्या आपका नाइट्रेशन। देखो ये वाला ग्रुप क्या, जैसे मैंने अभी आपको तुरंत थोड़ी देर पहले बताया एल्डिहाइड क्या था माइनस एम DG मेटा पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सेम रिएक्शन है क्योंकि देखो ये भी क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इसमें भी क्या होगा आपका मेटा पर आपका ग्रुप लगेगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कौन सा रिएक्शन माइनस एम में नहीं होता, और इसलिए मैं करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान से बैठने की ज़रूरत है। अब आपको पता है ये तो आपकी FC रिएक्शन आ गई, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ये तो माइनस एम और माइनस आई में डू नॉट पॉसिबल, ग्रुप में डू नॉट पॉसिबल, तो इसमें ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। दोबारा से देखो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा बोलो माइनस एम का मतलब क्या है DG का मतलब क्या है मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर या ग्रुप, तो नाइट्रेशन किस पे होगा मेटा पोजीशन पे, ये दोनों पोजीशन क्या है आपकी मेटा, सल्फोनेशन कहाँ पे होगा मेटा पे,
हेलोजिनेशन कहाँ पर होगा, मेटा पे। ब्रोमिनेशन कहाँ पर होगा, मेटा पे। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन माइनस एम वाले ग्रुप में नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन है, इससे क्या होता है आपका बेंजीन के ऊपर ओनली एल्डिहाइड आ जाता है, मैंने मैक बताई है। अब देखो ये क्या आपका माइनस एम ग्रुप, अब ये वाली रिएक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये वाला ग्रुप क्या आपका माइनस एम, माइनस एम का मतलब क्या है डीजी, डीजी का मतलब अटैक कहाँ पर होगा, मेटा पे। तो बोलो मैं मेटा पे क्या लगा दूं आपका, बी आर, ये आसान है ठीक है। अब देखो ओ एच और एन एच टू ये ए जी ग्रुप होते हैं क्योंकि प्लस एम करते हैं, ये भी क्या करता है ए जी ग्रुप है प्लस एम करता है, और आपको पता है इन दोनों ग्रुप की एक्टिवेटिंग पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसमें ना पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, पॉली सब्स्टिट्यूशन कैसे कि जैसे कि देखो आपको पता है ए जी का मतलब क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव नेचर, मतलब सारी ऑर्थो जितनी भी पोजिशन है, ये मैंने ऑर्थो पहले बी आर लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने पैरा पे लगा दिया, तो इसमें केस में होता है आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इधर इधर भी आपका सेम होगा, क्या होगा बोलो, एन एच टू बी आर, ये आपका बी आर, ये बी आर, मतलब एक्टिवेटिंग पावर ओ एच और एन एच टू की बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए देखो इधर क्या हो रहा है आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन, पॉली का मतलब क्या है मल्टीपल, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा है तीन 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 लगाया आपका, तीन इधर ब्रोमीन लगाया, ये आपके क्वेश्चन काम में आएंगे। अभी जो मैंने आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इनमें से एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है 4 मार्क्स का, तो आपको ध्यान रखना है, एडवांस में भी आया है, जेईई मेंस में भी आया है ठीक है। तो देखो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड है ठीक है, देखो इसका नाम क्या है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो इससे पहले एक चीज समझना कि देखो ये आपका एसिड है बेंजोइक एसिड, अगर मैं इधर आपका कोई भी अल्कोहल लूँ, तो देखो एसिड से OH जाता है, अल्कोहल से आपका क्या जाता है, ध्यान से सुनना, एसिड से क्या जाएगा OH, अल्कोहल से क्या जाएगा H। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको सही भी लग रहा है, अगर सही लग रहा है तो जेन्युइन, देखो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका एस्टर बन चुका है, अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो और अच्छे से पढ़ें ठीक है। तो देखो ये आपका एसिड है, ये क्या आपका अल्कोहल, अल्कोहल, तो एसिड से OH हटाया, अल्कोहल से H हटाया, तो ये आपको एस्टर फॉर्मेशन हो गया। तो देखो एक चीज़ याद रखना, ये देखो मैंने क्या लिया एसिड, तो एसिड किससे रिएक्ट करेगा अल्कोहल से, ये मैंने क्या लिया अल्कोहल, तो किससे रिएक्ट करेगा ये आपका एसिड से, ये क्या आपका फिनॉल, तो बोलो किससे, अल्कोहल ही टाइप का होता है ये भी, अल्कोहल इसमें डिफरेंस होता है वैसे प्रॉपर्टी में, लेकिन देखो इसमें भी हम OH ग्रुप मानेंगे, तो OH ग्रुप है भी आपका, तो ये भी किसके साथ में रिएक्ट करेगा आपके, बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। दोबारा से समझा रहा हूँ, देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसके साथ में रिएक्ट करेगा बोलो, अल्कोहल के साथ में, OH के साथ में, ऐसे दोबारा से बोल रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक बार आ चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ में रिएक्ट करेगा OH के साथ में, अल्कोहल किसके साथ में एक्ट करेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, OH किसके साथ में या अल्कोहल किसके साथ में रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो देखो मैंने पहले से प्रोटोटाइप आपका तैयार रखा है ताकि जल्दी बने, तो देखो यहाँ से OH हटा दूँ और इधर से बोलो क्या हटा दूँ H, तो देखो क्या आया O C डबल बॉन्ड O, ये O लिखा है, उसके बाद में CH3 और इधर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो इसको मैंने 1 बोला, इसको 2 बोला, आयुपैक के नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 2 पे क्या है एसिटॉक्सी, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो ऊपर मैंने लिखा है शायद दिख रहा हो आपको, तो 2 पे क्या है एसिटॉक्सी, उसके बाद में बेंजोइक एसिड, ये क्या है एस्प्रिन, ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है आपकी एस्प्रिन ठीक है। अब देखो इधर ये क्या आपका अल्कोहल, तो ये इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इससे करेगा, तो देखो यहाँ से मैंने आपका क्या हटाया OH, और यहाँ से मैं क्या हटाऊंगा बोलो H, तो देखो क्या आया, तो ऊपर तो मैंने कोई चेंज नहीं किया ठीक है, समझ में आया, इधर देखो मैंने क्या किया C डबल बॉन्ड O, O और ये आपका मिथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल सैलिसाइट विंटर ग्रीन ऑयल
ठीक, बहुत एडवांस की चीज़ है, नीट में तो आती भी नहीं है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से एच हटाया तो बोलो कहाँ कहाँ जोड़ूंगा, इधर। ठीक, इधर मैं एच ओ एच हटा के, तो देखो ये ओ एच ओ पी एच, इसका नाम क्या है, फिनाइल सैलिसाइड। देखो इस इतने को सैलिसाइड बोलते हैं, तो ये फिनाइल सैलिसाइड, इतने को क्या बोलते हैं, सैलिसाइड। तो देखो मिथाइल सैलिसाइड, इसका नाम क्या था, विंटर ग्रीन ऑयल, इसका नाम क्या था आपका, फिनाइल सैलिसाइड सैलॉल। दोबारा से समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से ओ एच हटाओगे, एल्कोहल से ओ एच से एच, एल्कोहल होगा तो एल्कोहल से एच हटाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका ओ एच। इधर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो आपने रिएक्ट किससे कराया, ओ एच से। इधर मैंने एल्कोहल दे रखा है तो किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इधर मैंने ओ एच दे रखा है तो आपका किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो देखो एक क्वेश्चन ये एस्पिरिन पूछा था एक बार एग्जाम में, तो देखो यार क्वेश्चन मैंने इतने कराए हैं आपको, आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छे से, अच्छी बात है, और जेन्यून आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सही है, अपना पूरा एफर्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छे से छापो आप लोग।